इतने डरे जीव तो सारे डरे जी ने श्राप दे तुलसी माता, जाओ तुम्हारे पति राक्षस होंगे। ठीक है, तो उन्हें राक्षस होने तुम्हारे पति, जैसे ही उन्हें श्राप दे तुलसी जी घबराए नहीं, मैं तो नारायण था भगवान विष्णु मारे रही पति के रूप में, इनने तो राक्षस और बना दे मेरे पति, अब मैं क्या करूंगी। जे डरे सोई तुलसी जी रोए में लड़ रही, खूब माफी मारी। फिर डरे जी ने बोली के हे देवी, आपके जो पति होंगे वो नारायण के अंश से प्रकट होंगे, उनमें नारायण का स्वरूप होगा, पर वो राक्षस होंगे, वो होंगे शंखचूड़ जी। ठीक है, फिर उसके बाद में गणेश तुलसी माता ने कही कि मैं आपका त्याग करती हूँ, हे गणेश आपने अच्छा नहीं किया है राक्षस पति का श्राप देते, अब मैं आपको श्राप देती हूँ तो कभी भी मेरी पूजा में आपकी आपका आपकी जो पूजा होगी उसमें मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, और जो भी आपकी पूजा में मेरा इस्तेमाल करेगा और जबरदस्ती चढ़ा भी दे रहा तो मैं उसको श्राप दे दूंगी, उस घर में अन्न धन को नाश कर दूंगी और उनके पति पत्नी में कभी नहीं बनने दूंगी, अगर तुम्हारी पूजा में मेरा इस्तेमाल हुआ तो, या तुम मेरी पूजा में आए या मेरी तुम आए, और कभी भी मेरा जो भोर लगे रहो बा भोर में तुम नहीं आओगे, न तुम्हारा नाम लो जावे रहो, और न मैं तुम्हें जो भोर लग रहे हो बा में मैं अपनी जो भी तुम्हारे भोर में मेरी पत्ती डाले रहो बाय श्राप लगे रहो। तो फिर बात ये बाद में ऐसे ही चल के नहीं, समय बीतो समय बीतो समय बीतो, जैसे ही जैसे फिर क्या कहते हैं ये हैठा है जो संत चूड़ हैठा है, जे एक कल्प टेल है यानी छोटे से समय टेल है, जे वो ये इन्हें राधा एक देवी ललिता आई गौलोटी, उनने जिन्हें श्राप दयो सुदामा है जो नारायण के परम भक्त श्री कृष्ण के, उन्हें श्राप दो तो जाओ तुम राक्षस बनो रे धरती पे, वो ही जो सुदामा कहे वो ही संत चूर्ण बन के आए, सुदामा नहीं सॉरी श्रीधामा, सुदामा लड़े श्रीधामा लड़े श्रीधामा जिन जिनने श्राप दयो के ड्रॉलोट में उन्हें श्राप दयो ललिता ने सखी ललिता ने जो आठ सखी नवे थे प्रमुख सखी है राधा रानी की, उनने श्राप दहो क्योंकि वो राधा रानी के पैर धो रहे हैं, उनने पैर धो बेटी ने कही कि इनमें क्या है नारायण को पूजो, तो वो ठिसियाए रहे क्या हमारे लिए तो यही परमेश्वर ही है राधा रानी, तुमने ऐसा बोला कैसे सोई श्राप दे दो श्री धामाए श्राप दे दो, तो बे ही संत चूर्ण बन के नारायण के अंश से प्रकट हुए धरती पे और बे ही राजा बने और उनके साथ तुलसी का विवाह है। और फिर बातें बात संत चूर्ण ने पूरी पृथ्वी पे अपना आधिपत्य से वो कर लो स्थापित, पूरी पृथ्वी पर राज कर लो इनने चारों तरफ, यहाँ तक के स्वर्ण लोट थे देवता उन्हें मार मार के नहीं बजाए थे, सब निकाल दे तीनों लोटन में इनको राज है रो, और नारायण तो कछू टहरे ही नहीं क्योंकि वो स्वयं नारायण का अंश हो, अब वो टैसे टे नारायण और जो ऐटा है नारायण ना बीच में आ रहे, ब्रह्मा जी ने तो वैसे ही टोने में ढकेल देते। फिर बात बाद में अब एक बचे केवल महादेव बारे कही, अब महादेव भी इनका इसका संधार कर सकते हैं, महादेव भी इनका संधार कर सकते हैं, जो तुलसी जी हटकाई तुलसी जी जो है टाइम यानी माता वृंदा देवी इनका वृंदा नाम हो, तो इनने ये इनका स्वभाव जो है राक्षसी स्वभाव है रो, राक्षसी स्वभाव यानी पूजा पाठ धर्म कर्म नारायण की भक्ति नारायण की तपस्या सब है भूल रही, मतलब एक तरह से नास्तिक है रही सब है भूल रही, जो राक्षसी है रही मतलब मांस मदरा खाओ शुरू कर दो सब काम शुरू कर दो, मतलब पूरी तरह से राक्षस नहीं बन रही, जो संत चूर्ण भैया वो राक्षस हो तो वे हुए ऐसी है रही, और इतनी अंधी है रही बातें प्रेम में कि उन्हें कोई दुनिया से मतलब ही ना है, वो ट्रोनेशन अत्याचार कर रहा है रोज, तो ब्राह्मण ने मार तो बच्चन ने मार तो औरत ने सन व्यविचार कर तो काउ की औरत दी दी उठाला भाई नहीं सन में उल्टे सीधे काम कर तो मतलब, और जो तुलसी हटकाई वो मतलब सती सती सावित्री यानी अपे एक पति व्रत पे धारणी वो, ठीक है अपने पति के अलावा पर पुरुष की तरफ न देखती न बात करती और अपने पति की सेवा में लगी रहती, वो जैसे आज्ञा दे तो वो वैसे ही चलती, इतनी अंधी है नहीं प्रेम में,
सही कर रही है गलत कर रही है, इन्हें बिल्कुल भी ना दिखाई दे रहा। फिर बात के बाद में जा जगह पर गणेश जी ने मदद करी, गणेश जी से सब देवता ने प्रार्थना करी। जय माता दी। जय माता दी। गणेश जी से सब देवता ने प्रार्थना करी। सो गणेश जी ने गणेश जी बोले चलो मैं कोई युक्ति लगाता हूँ, कोई युक्ति लगा दू। तो गणेश जी ने प्रार्थना गए तुलसी जी के भंवर में, तुलसी जी के भंवर में गए तो वो तो पूरी राक्षसनी बन चुकी। तुलसी गणेश जी ने खूब याद दिलाने की कोशिश करी कि तुम नारायण की पूजा करती, भक्ति करती, उनकी पूजा पाठ करती, तपस्या करती, तुम याद करो देवी। वे तो सब भूल चुकी, कछु याद ही नहीं आए। तो गणेश जी बोले तुलसी माता से मेरे पास ऐसी शक्ति है जो आपके पति के पास भी नहीं है, अब वो आपको अगर